बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज हम बनाने लगे हैं आलू मोंगरे और मटर। ये मैंने अंदर आधा किलो मटर लिए हैं, 1 किलो मोंगरे लिए हैं और ये आधा किलो आलू लिए हैं। ये भी आधा किलो ही हैं आलू, और इनको मैंने धो लिया है। और इसके अलावा ये मैंने मीडियम प्याज लिए हैं 2 छोटे से, अदरक काटा है, और ये लहसुन। इसके अलावा ये सब्ज़ मिर्च है 3-4, और ये 4 टमाटर हैं। और इसके अलावा ये गरम मसाला है, और ये काली मिर्च है, वो भी पिसी हुई बहुत कम मकदार में। ये सुरख मिर्च, हल्दी, और ये नमक हसबे जायका। हाँ जी, ये मैंने ऑयल डाल लिया है, और इसमें ऑयल मैंने डाल लिया हंडिया, मिट्टी के हंडिया में। इसके अंदर ये मैंने कंप्लीट जो है प्याज अदरक और लहसुन ये डाल देना है। हाँ जी, इसको ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन। हाँ जी, हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर, साथ ही हम डाल देंगे मिर्च, नमक और हल्दी। हाँ जी, टमाटर जो है इसको अंदर गलाना है अच्छी तरह से, बाकी ये सब्ज़ी के अंदर गल जाएगा। हाँ जी, मसाला हमारा भुन गया। अब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, माशाल्लाह बहुत मज़े की ये सब्ज़ी है, तीनों मिला के आलू मटर और मोंगरे। अब इसमें पानी नहीं डालना, इसने अपने ही पानी में गलना है। हाँ जी, ये सब्ज़ मिर्च भी साथ ही डाल रही हूँ मैं। हाँ जी, अब हम इसको ढाँप देंगे और हीट करेंगे इसको। अब ये दम के अंदर ही पकेगा इंशाल्लाह। हाँ जी, ये मैंने सब्ज़ धनिया, काली मिर्च और गरम मसाला डाल दिया, तो अब मैं इसको मिक्स करूँगी। ये मैंने हंडिया में बनाया है, ये बिल्कुल दम पे बनी है। हाँ जी, हमारी हंडिया तैयार हो गई है। ये देखिए, आलू गाजर, आलू मूंगरे और मटर, और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।